हेलो गाइस, वेलकम टू BMS एकेडमी। सो आज 21 दिसंबर है और हम द हिंदू एनालिसिस 21 दिसंबर 2020 का देखने जा रहे हैं। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो नेपाल के बारे में है। नेपाल सेट टू फेस फ्रेश इलेक्शंस, प्राइम मिनिस्टर ओली गेट्स पार्लियामेंट डिसॉल्व्ड आफ्टर वीक्स ऑफ टेंशन विद इन गवर्नमेंट। देखिए, ऐसा था 2017 में KP शर्मा ओली जो थे, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था नेपाल का, उसके तहत फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, अब ऐसा था इंटरनली विद इन टेंशन थी, गवर्नमेंट के अंदर ही कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से अब जाके KP शर्मा ओली ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का फैसला लिया और डिसॉल्व कर चुके हैं। और फ्रेश इलेक्शंस जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा कॉल किए जाते हैं वो टू फेज में होंगे, अप्रैल 30 एंड मई 10 नेक्स्ट ईयर, मतलब 2021 में। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये रहेगा, डिसोल्यूशन एंड सस्पेंशन। देखिए, सस्पेंशन इन लेमन टर्म्स टेम्परेरी, बट इट इज परमानेंट। मींस बेसिक सा डिफरेंस है। देखिए, सस्पेंशन जो होती है एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, कोई गवर्नमेंट काम नहीं करती है कुछ भी रीजन के तहत तो वो सस्पेंडेड कहलाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो डिसोल्यूशन होती है वो परमानेंट होती है। मींस कि अगर सरकार के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सरकार डिसॉल्व करे जाने के बाद, उस सरकार वो जो काम कर रही होती है वो पूरी तरह से क्वैश हो जाता है, वो पूरा इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद न्यू गवर्नमेंट बनती है बाय जनरल इलेक्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन इंक्वायरिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन वाज ओवररीच। देखिए, ऐसा था, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस करा था उसमें भी इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करा था, जुडिशियल ओवररीच के बारे में। और उस टाइम पे मैंने आर्टिकल 50 के बारे में बात करी थी, जो कि कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को दिखाता है। एंड सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, देखिए तीन ऑर्गन होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। देखिए, तीनों की पावर्स अलग अलग हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉज बनाने का काम करता है, और एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। एंड जुडिशरी क्या करती है कि जो भी रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश की, उसके द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई गई कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कहा गया था कि इट इज़ टोटली डिस्टर्बिंग कि ऐसे कोर्ट्स के द्वारा ऑर्डर दिए जा रहे हैं। ये सुओ मोटू कॉग्निजेंस की बात होती है। सुओ मोटू का मतलब होता है, सुओ मोटू का मतलब होता है अपने द्वारा खुद ही खुद एक्शन लेना। ठीक है, और इसी केस में ऐसा ही हुआ। तो देखिए, यहाँ पे आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से आर्टिकल 356 बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है, तो इसको अच्छे से देख लेंगे हम। ठीक है, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सेक्शन 93, इतना इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रख लेना इसका कि सोर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ठीक है, बहुत सारे प्रोविजन इस एक्ट से उठाए गए हैं। अब आर्टिकल 356 जो होता है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, लेकिन देखिए जो जिन ग्राउंड्स पे ये इम्पोज करा जाता है प्रेसिडेंट रूल, वो ये ग्राउंड्स हैं टू टाइप्स के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होने के बाद ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। अगर प्रेसिडेंट एक रिपोर्ट स्टेट गवर्नर के द्वारा रिसीव करता है, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नर के द्वारा रिपोर्ट रिसीव करता है कि देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का मतलब सिंपल टर्म्स में ये रहेगा
कि कोई जो सरकार है वो उस जो कॉन्स्टिट्यूशनली टर्म्स एंड टर्म्स मेंशन है उसके तहत काम नहीं कर पा रही है तो गवर्नर करेगा। बट देखिए अदरवाइज और सेटिस्फाइड, ये बहुत बड़ा एक एम्बिट दे देता है प्रेसिडेंट को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके तहत अगर अगर रिपोर्ट नहीं भी सबमिट करता है तब भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट जो है वो प्रेजेंट रूल इम्पोज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो एक कहीं ना कहीं एक लूप होल मान लीजिए जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को इफेक्ट करता है। और जो आर्टिकल 365, इस आर्टिकल को भी याद रखिएगा, 365 एंड 365 के द्वारा ये कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इफ एनी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद ऑल डायरेक्शंस गिवन बाय यूनियन ऑन द मैटर्स। देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत पढ़ते रहे होंगे तो वहाँ पे लिखा होता है एक फीचर में यूनिटरी बायस्ड, फेडरल बट यूनिटरी बायस्ड। तो ये कहीं ना कहीं यूनिटरी बायस्ड है, यूनियन को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं कि सारी की सारी डायरेक्शंस अगर कंप्लाई नहीं होती हैं तो प्रेसिडेंट रूल तब भी इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, बट आगे आगे देखिए, प्रेजेंट रूल इज व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड। अभी हमने देखा कि सस्पेंशन एंड डिसोल्यूशन इज समथिंग एल्स। अगर सस्पेंड कर दी जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली एडमिनिस्टर द स्टेट थ्रू द ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर के ऑफिस के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टेट को चला सकती है, बट यहाँ पे सस्पेंडेड है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी। देखिए स्टेट इमरजेंसी के बारे में पूछ लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो आपको 356 आर्टिकल मेंशन करना है अपने एग्जाम में। पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेजिडेंट रूल ऑन एनी स्टेट। ये कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का काम करता है। देखिए प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेजिडेंट रूल शुड बी अप्रूव्ड इन बोथ हाउसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बन के ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो बोथ हाउसेस बाय पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स ऑफ इट्स इशू। अगर मान लीजिए प्रेजिडेंट रूल आज लगता है तो अगले 2 मंथ के अंदर ही अंदर पार्लियामेंट के द्वारा इस चीज़ को अप्रूव किया जाना चाहिए, वो भी राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के द्वारा। और यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में ये डाल दिया जा सकता है, स्पेशल मेजोरिटी करके कुछ भी एक्सेप्शन डाल दी जा सकती है, बट वो गलत रहेगा। यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के द्वारा दोनों हाउसेस के द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए विद इन 2 मंथ ऑफ टाइम स्पैन। प्रेजिडेंट रूल इज इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। पहला जो एक टाइम पीरियड है, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है पहला, वो 6 मंथ है, बट लेटर लेटर इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 सालों तक, ये 6-6 महीने में के बाद अप्रूवल हो जाने के बाद ये 3 साल तक कैरी किया जा सकता है आफ्टर एवरी 6 मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 44th Amendment 1978, ठीक है, 42nd Amendment 1976, बहुत सारी चीज़ों को डल्यूट करने की कोशिश करी गई थी 1976 में 42nd Amendment के द्वारा। इसको कहीं ना कहीं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है, बहुत बड़ा अमेंडमेंट थी ये 44th। इसको कहीं ना कहीं सीधा करना, इस जो अमेंडमेंट हुई थी 42nd, उसको कहीं ना कहीं सही करने की कोशिश करता है। तो 44th Amendment ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्राउड इन द सेम कंस्ट्रेंट ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ प्रेजिडेंट रूल बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इट सेज दैट प्रेजिडेंट रूल कांट बी एक्सटेंडेड प्योर 1 ईयर। देखिए एक 44th Amendment ने कुछ ना कुछ रोकथाम करने की कोशिश करी, जो चुपकी पावर्स गलत तरह से यूज ना हो सके, तो उन्होंने लिमिटेशंस लगाने की कोशिश करी। अगर देखिए नेशनल इमरजेंसी है तो इसको 1 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, या इलेक्शन कमीशन ऐसा कह दे कि देखिए प्रेजिडेंट सर ऐसा है कि जो स्टेट है वहाँ पे अभी असेंबली इलेक्शंस करवाना, जो एमएलए वाले इलेक्शन होते हैं वो करवाना भी मुश्किल है, तो तब उस केस में भी इस जो प्रेसिडेंट रूल है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है।
तो अभी देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, इस चीज़ को अप्राउड किया जा रहा है कि उन्होंने एकदम से स्टे कर दिया इस ऑर्डर को। तो अभी जो ऐसा है, अभी जो टसल चल रही है जुडिशियल एंड गवर्नमेंट की, जो आंध्र प्रदेश में उन्होंने एक लेटर भी भेजा था, उसमें इंक्वायरी भी बिठाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो हाई कोर्ट ऑर्डर्स विल ऑल्सो इंश्योर्स सच लीगल एडवेंचर्स इम्पिंजेस ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर इन द स्टेट नॉट रिपीटेड अगेन। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है अभी, तो ऐसा रहेगा कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई हाई कोर्ट ऐसा डिसीजन लेना भी चाहेगी तो डेफिनेटली बार बार इस चीज़ को देखा जाएगा। एंड दिस इज जुडिशियल ओवररीच, जो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट बताया गया है उसमें जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है, ठीक है। जैसे कि गवर्नर प्रेसिडेंट को बोलेंगे ना कि आप यहाँ पे जुडिशियल कहीं ना कहीं इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो ख़राब हो गई है, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, सो दैट ही इज़ एग्जीक्यूटिव। बट यहाँ पे जुडिशरी जाके अगर कोई बेंच बिठा रही है उस चीज़ को फाइंड करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच है, इट इज़ अ वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को करना चाह रही है। तो देखिए यहाँ और एक और बात इम्पोर्टेंट है, मैंने कल भी बताई थी कि इंडिया इज़ नॉट अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि जो लेजिस्लेचर होते हैं वही एग्जीक्यूटिव होते हैं। देखिए जैसे पीएम वगैरह ये सभी जो मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेचर का काम भी करते हैं, लेजिस्लेट भी करते हैं, लॉज भी बनाते हैं, बट ऑल्सो एग्जीक्यूट भी करते हैं। बट जुडिशरी इनसे बिल्कुल सेपरेट रखी गई, तो इसने एनक्रोच करने की कोशिश करी, तो ये जुडिशियल ओवररीच का मामला आ गया। इट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी देखिए ऐसा हुआ, एक कंपनी है बिस्ट्रोन, जो कि आईफोन्स एप्पल के मोबाइल फोन्स बनाने का काम करती है। देखिए इसका काम ही यह है कि किसी और कंपनी के ओरिजिनल मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट्स को। तो ऐसा हुआ, कर्नाटका में कोलार जगह है, वहाँ पे इसका एक मैन्युफैक्चरर बेस बना, मतलब एक फैक्ट्री बन गई एक तरह की। तो वहाँ पे ऐसा हुआ, जो एम्प्लॉयज़ थे उनके द्वारा स्ट्राइक करी गई। पहले तो प्रोटेस्ट करा गया कि उनकी जो ड्यूज़ हैं, पैसे बचे हुए हैं कंपनी के पास जो उन्होंने कमाए हैं, वो उनको क्लियर कर दिया जाए। बट उनकी बातों को नहीं सुना गया और ऐसा हुआ कि वो वायलेंस में इरप्ट हो गया, और वायलेंस में इरप्ट होने के बाद वहाँ पे जो एस्टिमेट करा गया विस्ट्रोन के द्वारा, वो 437 करोड़ का करा गया डैमेज जो हुआ। अब ऐसा हुआ, सेंट्रल स्टेट के द्वारा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने इसको एंथुजियाज्मली इस चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करी और देखा सिचुएशन को। और देखा ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को इस केस में 160 पीपल को अरेस्ट भी कर लिया, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को दिखाता है, एंड इट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द परस्पेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखिए आप, हम जैसे बात करते हैं डोंट गो फॉर विद चाइनीज प्रोडक्ट, से नो टू चाइनीज प्रोडक्ट्स, देखिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंडिया में भी उपलब्ध होनी चाहिए ना, ठीक है। तो इट इज़ वेरी गुड अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस टू चाइना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इसका। तो अननेसेसरी स्पोर्ट हैज़ बीन प्रोमिस सो दैट फर्म मे रिस्टार्ट ऑपरेशन। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये कहा गया है कि कुछ भी सपोर्ट जो होगी, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ये जरूर चाहेंगे कि हमारी कंट्री ग्रो करे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये मैन्युफैक्चरिंग बेस है अल्टरनेटिव, तो उन्होंने कहा कि वी विल डेफिनेटली गिव नेसेसरी सपोर्ट टू दिस फर्म। तो एप्पल ने भी एक इंक्वायरी बिठाई है, तो उसमें देखा है कि बहुत बड़े लैप्सेज हैं। विस्ट्रोन के जो स्टाफर, जो बड़े बड़े हेड हैं इंडिया के परस्पेक्टिव में, इंडिया के लिए अपॉइंट करे गए हैं, तो उनको कुछ को तो हटा भी दिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी। बट एक एक और सिनेरियो आता है यहाँ पे लेबर लॉज के बारे में। यहाँ पे इंडिया जैसे कि दिखाता है, देखिए कोई भी कंट्री, कोई भी इन्वेस्टर अगर बाहर से आता है तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे कम लॉज रिस्ट्रिक्शंस हो, ठीक है, जहाँ पे सस्ती चीज़ मिले। इंडिया की जो लेबर है बहुत चीप है,
तो ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। बट देखिए, साथ ही साथ हम इन्वायरमेंटली भी बहुत अवेयर हैं, हमारे इन्वायरमेंट लॉज भी हैं, कोई ना कोई इंडस्ट्री कहीं ना कहीं किसी तरह से इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करती है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब यहाँ पे इंडिया ऑल्सो नीड्स अप टू गेम इन्फोर्सिंग कंप्लायंस विथ लॉज ऑफ द लैंड एंड ट्रीटिंग लेबर एम्प्लॉय डिस्प्यूट्स इन एन इवन हैंडेड मैनर। तो देखिए, ऐसा है कि अगर लेबर और जो आपको एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, तो डेफिनेटली देयर शुड बी ए फोरम, वो एक अच्छे तरह से उन दोनों के डिस्प्यूट्स को अच्छे तरह से हैंडल कर पाए। और देखिए, जो इंडियन लेबर है और इंडियन लॉज हैं, वो एक बहुत अच्छा एक वर्ल्ड को ये भी दिखाते हैं कि जैसे कि चाइना में एक्सप्लोइटेशन किया जाता है लेबरर्स का, तो इंडिया के केसेस में नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली लेबरर्स, उनकी यूनियंस बनी हुई हैं, वो अपनी वॉइस को उठा सकते हैं, प्रेशर का एक काइंड का प्रेशर ग्रुप है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप आपको GS2 आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले पार्ट में रहेगा, जिसमें आपका प्रेशर ग्रुप के करके एक टॉपिक मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, रिजाइन बिंग मार्केटेड एज अ बिजनेस फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली कहा जाता है, जैसे मैंने बोला, मिसगिवेंस अबाउट देयर प्रोविजंस एंड अनरिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयज ग्रीवेंसेस कैन। ठीक है, अगर ऐसा दिखाया गया और अगर जो एम्प्लॉयज लेबरर्स होते हैं उनकी इश्यूज जो नहीं सुने जाते हैं, तो ये भी दिखाता है कि ऐसे वायलेंस बार बार इरप्ट होते रहेंगे फ्यूचर में, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक है, सो आगे का देख लेते हैं। नेक्स्ट, ये आर्टिकल जो आया है वो शक्ति क्रिमिनल लॉ जो एक्ट लाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, एक छोटे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, शक्ति एक्ट जो लाया गया है वुमेन के लिए, तो वो किस स्टेट से संबंध रखता है? तो वो महाराष्ट्र स्टेट है। ठीक है, तो इसमें जो ऑथर है उन्होंने बहुत सारे लूप होल्स को भी दिखाया है, इस एक्ट के अंदर जो बातें स्पेशली मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, बट कहीं ना कहीं वो जो दर्शाती हैं उसको बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ आया है उसमें जो डेफिनेशन है रेप वगैरह की, उसको बाइट कर दिया गया है कि कोई बच ना पाए, और बहुत खतरनाक, बहुत हार्शर पनिशमेंट देने की बात करी गई है। तो ऐसा है, जो क्रिमिनल सिस्टम में भी इफेक्टिव फेयर एंड जस्ट लॉज रोबस्ट, देखो जो इम्फेसिस करा गया है यहाँ पे, रोबस्ट इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म का करा गया है। देखिए, अगर वहीं पे लूप होल्स होंगे, अगर कोई कोई अगर लड़की के साथ किसी तरह की गलत हैपनिंग हो जाती है, तो वो अगर पुलिस पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे उसको फिर से मोलेस्ट किया जाता है किसी ना किसी तरह से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछना ऑब्वियसली, वहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कोई पुलिस ऑफिसर तो उसका फर्ज है, बट अगर हरास करने पे हरास किया जाए और उसकी कंप्लेंट ना ली जाए, सो दिस इज़ वेरी बैड, एंड ये कोई किसी भी तरह का एक अच्छा मैकेनिज्म नहीं हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म शुड बी रोबस्ट एंड डायनेमिक जुडिशरी एंड एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर आर डिस्पेंसेबल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। ठीक है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इन चीज़ों को हम आगे प्रोसीड करते हुए एक बारी बारी से समझेंगे। लैकिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, पेट्रियाटिक आइडियाज़। देखिए, इस एक्ट में जिन चीज़ों के बारे में बात करी गई है वो ये कहा गया है कि अगर फॉल्स कंप्लेंट्स होती हैं, तो जो कंप्लेंट फॉल्स करने वाला है उसके ऊपर भी इश्यूज, वो जो ऑफेंस एक तरह का, वो भी क्रिमिनल माना जाएगा, किसी ना किसी वे में उस चीज़ को भी पनिश किया जाएगा। तो फॉल्स कंप्लेंट के लिए भी पनिशमेंट की बात कही गई है। तो जो ऑथर है उनके द्वारा ये कहा गया है कि ऐसा ही एक ऐसा प्रोविजन सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एंड ऑफ एट वर्क प्लेसेस में भी है, अगर फॉल्स कंप्लेंट। देखिए, कहीं ना कहीं जो इंटेंशन इज गुड कि हाँ, फॉल्स कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए, किसी को डिफेम करने की बात नहीं होनी चाहिए, बट ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि पेट्रियार्कल कंसेप्शन है कि लड़कियां तो बोलती ही झूठ हैं,
और वो जिन पे ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं ये ऑथर के द्वारा कहा गया है। और उसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन ऑफन अगर बिहाइंड डोर्स, क्लोज डोर्स और एट डेसोलेट प्लेसेस, मेकिंग फाइंडिंग आई विटनेस डिफिकल्ट। देखिए इस चीज़ को बहुत मुश्किल होता है। देखिए रेप केसेस ऐसा होता है, इवन कुछ घर के ही लोग ऐसा कर रहे हो, तो इस चीज़ में विटनेस बन पाना, विटनेस ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। देखिए कहीं पे गोली कांड हो जाता है, कहीं पे कोई मार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं विटनेस ढूंढ पाना आसान है, आसान है एज कंपेरिजन टू द केसेस विच यूज टू हैपन विद द वुमेन। ठीक है, तो एक ये बात कही गई है। एंड प्रोविजन, एक और प्रोविजन की बात करी है, जितनी हार्श पनिशमेंट रहेगी ना, तो देखिए बहुत सारे इश्यूज रेज होके भी आएंगे। पहली बात उस चीज़ में देखिए, एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन है, जिसमें कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही कैपिटल पनिशमेंट की होती है। और जब यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा देने की बात कही गई हो, तो डेफिनेटली जो जजेस होंगे वो भी इस चीज़ से इस चीज़ को मतलब कि दूर रखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो। देखिए कोई नहीं चाहता कि मेरे हाथों से किसी की डेथ हो, ठीक है, और इस चीज़ से रिफ्रेन करेंगे एक्चुअली वो भी जजेस भी। एंड इवन कि जो सेक्सुअल असोल्ट जिसके साथ हुआ है वो भी, उसको भी प्रेशराइज किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि घर के ही लोग शामिल होते हैं रेप केसेस में। देखिए शोषण हो रहा था बहुत समय से, आप बहुत सारी न्यूज़पेपर में ऐसे चीज़ें देखते रहते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जिसके साथ गलत हुआ है वो भी ये नहीं चाहेगा यार कि मेरी वजह से कोई, कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें अंदर इमोशंस आर वेरी इंसान को वीक बना देते हैं, तो उसके घर वाले ही कहीं ना कहीं फोर्स करेंगे कि नहीं उसको फांसी की सजा हो जाएगी, तो समझ जा वैसा हो जा, तो कहीं ना कहीं डिसवेट करने की बात कही गई है यहाँ पे ऑथर के द्वारा। वेरी वैलिड पॉइंट एक्चुअली। द बिल इज इंट्रोडक्शन ऑफ डेथ पेनल्टी फॉर द रेप एसिड केसेस एंड वगैरह वगैरह। अब देखिए हीनियस क्राइम कहा जाता है, हीनियस क्राइम्स में कि ऐसा डेथ पेनल्टी होगी, तो बट इज हीनियस क्राइम कहीं पे भी यूनिफॉर्म बेंचमार्क नहीं है इसके बारे में, एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है जिसको कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा हुआ है तो दैट इज हीनियस क्राइम, तो कहीं पे भी एक क्लियर वे नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने का, कोई भी क्लियर वे नहीं है। जो सर्कमस्टांसेस हुए हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है तो उस चीज़ को हम हीनियस क्राइम की परिभाषा में डाल देंगे। ठीक है, डेथ पेनल्टी एंड स्ट्रेचर्ड बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम बट देर इज नो एविडेंस अफर्मिंग इट्स पोटेंसी एज ए डेटरेंट। और देखिए ऐसा है कि ये जो हीनियस क्राइम वगैरह वगैरह के लिए ऐसी फांसी होगी, ऐसी पनिशमेंट मिलेगी, सोलिटरी कन्फाइनमेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने डिटरेंस मतलब भय पैदा करने का काम बहुत ही कम करा है। अगर ऐसा होता तो देखिए बहुत सारे, आप बहुत सारी न्यूज़ पढ़ते रहेंगे, इवन कि बहुत सारे क्राइम्स तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं वुमेन के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये फेल हुआ है। आप कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हो तो ये कहीं ना कहीं डेटरेंस नहीं फैला पाई। कॉन्ट्रेरी टू द स्टेट्स अंडरस्टैंडिंग द डेथ पेनल्टी विल ओनली मीन दैट एक्यूज्ड मे नॉट स्टॉप जस्ट रेप, मे मर्डर द विक्टिम टू गेट रेड ओनली विटनेस। देखिए अगर पहले हमने उस कंसेप्ट में बात करी है एक्यू जो 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 कि विक्टिम है, अब अगर एक्यूज है, देखिए कोई अगर रेप करता है उसको पता है अगर ये बच गई तो डेफिनेटली इसकी बात सुनी जाएगी और माइट भी मेरे को फांसी हो जाए, तो वो उसको छोड़ने की बजाय उसको सीधा मार ही डालेगा, समझ पा रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को और एक्सेजरेट करने की कोशिश भी करती है। इफ द पनिशमेंट फॉर द क्राइम इज डेथ देन नॉट ओनली द फैमिली ऑफ विक्टिम, जैसे मैंने पहले बताया कि फैमिली और उसकी कोई भी नहीं चाहेगा तो वो उसको मनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक और बात कही जाती है कि फास्ट ट्रायल्स, 15 डेज ट्रायल, 30 डेज ट्रायल, अपील इन 45 डेज। तो यार देखिए मैं जो 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 जस्टिस मिस कैरेज की बात होती है वो भी एक कंसेप्ट है ना, अगर आप 30 दिन में कैसा ट्रायल कर लोगे इतनी जल्दी, ठीक है, तो होच पोच के कारण
कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी ना। और कानून क्या, जो कानून तो अनता है, ठीक है, जस्टिस लेडी आपने देखी होगी, आंखों पे पट्टी बंधी होती है, एक हाथ में तराजू होता है, दूसरे हाथ में, सोचा होगा अगर आपने, तो दूसरे हाथ में क्या होती है, स्वॉर्ड होती है, ठीक है। तो वो तो सिर्फ एविडेंसेस पे विश्वास करेगी, कहीं ना कहीं लाइकनेस, अगर टाइम कम रहेगा तो ज़्यादा ज़्यादा आगे ही, पुलिस वालों के ऊपर इतने सारे काम होते हैं, कम है प्रपोर्शन एज कंपेयर टू, अगर प्रपोर्शन की बात करी जाए पुलिस वालों की, तो जो रेशियो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है, उन पे बहुत बर्डन है, बहुत सारे डिप्रेस्ड हैं पुलिस वाले, उनकी भी इश्यूज हैं, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम इश्यूज। तो ये 15 डेज मिस कैरेज ऑफ जस्टिस की बात करी गई है। अब देखिए, यहाँ पे आइस नो द कोर्ट्स हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंप्लाई विद द टाइम फ्रेम्स। अब यहाँ पे पोक्सो एक्ट, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये जो जो पोक्सो एक्ट है इसकी स्पेशलिटी ये है। देखिए, ये दोनों जो बिलो 18 ईयर्स, मेल एज वेल एज फीमेल, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, दोनों के बारे में बात करता है, ठीक है। अदरवाइज जो रेप होता है वो तो गर्ल्स के खिलाफ ही होता है, बट ये किसी भी तरह की अगर मोलेस्टेशन, हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट करी जाती है तो वो इस एम्बिट में गर्ल्स और बॉयज दोनों आते हैं, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आर देयर नीदर। अब इतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास ना, कि हम इतने बिगिन टाइम फ्रेम में इस चीज़ को कर पाए। देर आर नॉट इनफ प्रोसिक्यूटर्स एट ट्रायल कोर्ट्स, ठीक है, इतने इतने वकील ही नहीं है कि वो, देखिए सरकारी वकीलों, वकील जो होते हैं उनका ज़्यादा होना, देखिए आजकल बहुत कम प्रेफर किया जा रहा है गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर बनने से, सभी बेनिफिट चाह रहे हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली दे वांट टू बिकम अ गुड लॉयर, गुड प्राइवेट लॉयर हु कैन अर्न ह्यूज मनी, ठीक है। तो यहाँ पे इनफ प्रोसिक्यूटर एट ट्रायल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स। तो यार देखो, अगर प्रोसिक्यूटर्स ही नहीं होंगे तो ये 15 डेज और 30 डेज वाला कंसेप्ट कैसे पूरा हो पाएगा। और जैसे मैंने पुलिस वालों की बात करी, वो भी एक इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, ठीक है। तो अब ऐसा है, अब यहाँ पे इस एक्ट में एक और बात करी गई है कि हम उनको भी पनिश करेंगे जो जो कि इन डिजिटल फॉर्मेट, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिकली अब्यूज़ करते हैं गर्ल्स को। बट दिस इज, ये देखिए, ये उनका जो ऑथर का ये कहना है कि ये हाईली सुपरफ्लूज है, मतलब जो ऑलरेडी चीज़ें मेंशन, आप उनको ही मेंशन करे जा रहे हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में ऐसी बात करी गई है, ठीक है। तो एट द एंड ये कहा गया कि मोर प्रैग्मेटिक इफ गवर्नमेंट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रैदर देन अगेन एंड अगेन कमिंग विथ अनदर स्टैट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको कंक्लूजन के तौर पर लिख सकते हो, एंड दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड वेरी गुड आर्टिकल। आगे देख लेते हैं, लेइंग द फाउंडेशन फॉर फास्टर ग्रोथ। आपको पता है, आपको पता ही हो ऑब्वियसली, अभी कुछ टाइम पहले एक जो गूगल पे वो सबसे ज़्यादा वर्ड सर्च किया गया था वो COVID-19 था, बट देखिए इंडिया के केस में COVID-19 दूसरे नंबर पे पहुंच गया और फर्स्ट पहुंच गया IPL। चलिए इस चीज़ को रहने देते हैं, लेकिन इन 2020-21 जो ये फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं इस ईयर को। पेंडेमिक हुई, COVID-19 आया, लॉकडाउन चला, और क्वार्टर वन मीन्स एक साल के कितने महीने होते हैं, 12 और डिवाइडेड बाई 4, मतलब फर्स्ट थ्री मंथ में इकोनॉमी जो डिक्लाइन हुई थी वो 23.9% हुई थी, ठीक है, 23.9%, इतनी कॉन्ट्रेक्शन बहुत बड़ी होती है। और जो क्वार्टर 2 हुआ, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो उसमें ये हुआ 7.5% के डिक्लाइन हुआ, क्योंकि आपको पता है अनलॉक 1.0, अनलॉक 2.0, ठीक है, ये आ रहे थे, रिलैक्सेशन दी जा रही थी। अब परफॉर्मेंस कैसी रही, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर रिडक्शन ऑफ 7.66%। देखिए, जो ऐसे रिडक्शन ऐसे मेजर की जाती है जो पिछला ईयर का फर्स्ट हाफ रहा होगा, जैसे कि 2019-20 में अप्रैल से लेके आगे 6 मंथ में जितनी GDP रही होगी उससे, उसके साथ कंपेयर किया जाएगा, और ये
ये फिगर निकाला होगा, ये फैक्ट निकाला होगा, तो इतनी रिडक्शन हुई. एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज मेंटेन्ड, देन फुल ईयर कंट्रैक्शन. अगर अगर जो नेक्स्ट हाफ है, मतलब जो अभी चल रहा है टिल 31 मार्च, हम इसको अच्छे तरह से यूज़ कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो ये टोटल कंट्रैक्शन 7.7% तक रह जाएगी. जैसे कि IMF ने शुरुआत में इस चीज़ को एस्टिमेट किया था 10.3% कंट्रैक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. मतलब इतनी कमी हो रही है इंडियन इकोनॉमी की GDP में, तो बहुत बड़ी कंट्रैक्शन है. बट हम इसको 7.7 तक लिमिट कर सकते हैं. सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड इन Q4 फॉर द लिमिटेड कंट्रैक्शन. अगर सच में ऐसा अचीव करना है ना, तो Q4 जो लास्ट के 3 मंथ रहेंगे इस साल के फाइनेंशियल ईयर के, उसमें काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं. बट टू एक्सपेक्ट इन 2021 एंड 2022, अगर 8% grows in 2021-22, then we can compensate for economy decline in 2020. अगर देखिए ऐसा है कि अगर हम 8% की दर से ग्रो करते हैं, तब हम इस जो अब हुआ है ना, जो पेंडेमिक की तरह इस पूरे साल का बेड़ा गर्क हो चुका है, ठीक है, उस चीज़ को हम कंपनसेट कर सकते हैं अगर हम 2000 अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में 8% की दर से ग्रो करते हैं. एंड दिस इज़ पॉसिबल इफ़ रिस्ट्रिक्शन रिमूव्ड. देखिए रिस्ट्रिक्शन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे सही, लॉकडाउन करना ज़रूरी था, तभी तो थोड़ी बहुत अकल आई हम इंडियंस को, ठीक है. अदरवाइज अभी भी देखिए कोई बहुत सारी जगहों पर मास्क, विलेजेस देखिए थोड़े आइसोलेटेड हैं, बट स्टिल COVID-19 इज एवरीवेयर नाउ. ठीक है, तो ऐसा है, तो ये चीज़ें रिस्ट्रिक्शन रिमूव. इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिकम रेलेवेंट. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. देखिए एट द एंड जो मनी फ्लो वाला काम कौन करेगा, गवर्नमेंट का सर्कुलेट करेगी मनी, तो अपनी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की तरह को यूज़ करके, तो वैसे ही पैसा आएगा ना. तो अगर पैसा घूमेगा, डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा खर्चेंगे, डिमांड बढ़ेगी, फिर इन्वेस्टमेंट भी होगी. इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑब्वियसली फिर से वो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी. डिमांड एंड सप्लाई अगर मैच अगर अच्छे से चलती रही, तो ऑब्वियसली कंट्री की इकोनॉमी एक्सपेंड होगी. ठीक, मैनी डेवलप्ड कंट्रीज स्टिल फाइटिंग विद COVID-19, और उसकी वजह से क्या हुआ है, अभी भी बॉर्डर क्लोज हैं. हाँ वैक्सीन सोल्यूशन है, बट ऑल्सो टेक्स टाइम. ठीक है, टाइम ले सकता है, तो किल ग्रोथ ऑल अराउंड पूरे. ठीक है, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल बिजनेस, यू कांट आइसोलेट योर सेल्फ इन पर्टिकुलर प्लेस नाउ इन अभी के लिए. पहले तो चलता होएगा, ठीक है, बट अब आजकल हर एक चीज़ कनेक्ट हो गई ना, ग्लोबल विलेज सा बन गया है. हर इंसान कहीं ना कहीं ना किसी कंट्री का कहीं ना कहीं और काम करने के लिए गया हुआ है, तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड ना. तो अगर कोई भी कंट्री एक चीज़ को बंद करती है, देखिए हर एक कंट्री की कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी. कोई कंट्री अच्छा तेल दे रही है, कोई कंट्री स्पाइसेस दे रही है, कोई कंट्री कॉफ़ी दे रही है, कोई कंट्री कुछ दे रही है, कोई कंट्री कुछ दे रही है, कोई कंट्री इलेक्ट्रॉनिक हब है. तो कहीं ना कहीं अगर कहीं पे भी ब्रेकेज आता है, तो डेफिनेटली इम्पेक्टिंग एवरी द होल सर्कल, तो इट बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं. इंडियाज ग्रोथ मोस्टली डिपेंड ऑन डोमेस्टिक फैक्टर्स. हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, डोमेस्टिक फैक्टर्स पे बहुत इम्पोर्टेंट इंडिया की ग्रोथ मैटर करती है. हाँ हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बट वी आर कौन सी कंट्री है, हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं. दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, तो हमारी जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो बहुत डिपेंड करते हैं हमारी ग्रोथ के लिए. एंड ग्रोथ मस्ट नॉट बी ओनली कंजप्शन ड्रिवन इट, बट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन. ये क्या मतलब हुआ, कंजप्शन ड्रिवन एंड इन्वेस्टमेंट ड्रिवन. देखिए कंजप्शन ड्रिवन, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, दे आर इंटरलेटेड, समझ गए. इन्वेस्टमेंट ड्रिवन का मतलब प्राइवेट मनी फ्लो होनी चाहिए, अच्छे सस्ते लोन मिल जाने चाहिए कॉरपोरेट सेक्टर को. अगर इंडस्ट्री वालों को अच्छे कम दर पे लोन मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, मशीनरी लेंगे. ठीक है, लोगों को और रखेंगे यार, सस्ता में और प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. कोविड 19 लगा था, अभी लोग बाहर आएंगे और बहुत पैसा जोड़ के रखा है इन्होंने,
और उसको यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिया की इकोनॉमी को एक्सपेंड करेगा ना। इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी मींस एवरीथिंग वट एवर द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, दैट इज जीडीपी। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर द प्रोजेक्शन, मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, कंपेरेटिव इकोनॉमिक्स में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन, मतलब हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कंजप्शन ड्रिवन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम करें, तो अगर इन्वेस्टमेंट होगी तभी कंजप्शन होगी, और हमें सिर्फ कंजप्शन पे ना होते हुए इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देना है। ठीक है, कंजप्शन ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, आउटपुट ज़्यादा होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी जब गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करेगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास आपकी सैलरी आ रही थी 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये, और उस पर क्या वो बोल रहे थे कि नहीं यार, गवर्नमेंट बोल रही थी 2,000 का टैक्स दे दो मेरे को, अब 8,000 है, अब अपने घर भी चलाना है, पार्टी शार्टी भी करनी रहेगी, ठीक है, नोट्स वगैरह भी खरीदने रहेंगे, तो क्या होगा 2,000। अब यहाँ पे 2,000 तो आपको ऐसा लग रहा है यार कमा मैं रह रहा हूँ, इसका सरकार ले जा रही है, तो ऐसा है टैक्सेस कम होएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 200 रुपये कर दिए टैक्स, आपके पास 1,800 रुपये बच रहे हैं, आप क्या बोलोगे यार लेट्स गो फॉर समथिंग, लेट्स हैव अ पार्टी, जाओगे खरीदोगे तो कंजप्शन बढ़ेगी, और कंजप्शन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, आरबीआई के 3 बंदे, गवर्नमेंट के 3 बंदे, गवर्नर के द्वारा हेड करी जाती है। ठीक है, 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी इज अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अ स्टैचुटरी बॉडी, याद रखिएगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी 2020-21 के लिए एकोमोडेटिव रखी गई है। एकोमोडेटिव आप स्टांस समझते होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी टुक द डिसीजन टू हैव अ एकोमोडेटिव स्टांस। इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट को कम रखा जाता है, ऑब्वियसली शुरू से ही हमारे शांतिकांता दास ब्रीफिंग करते हैं, प्रेस ब्रीफिंग, कौन है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो उनके द्वारा इंटरेस्ट रेट की बात करिए, और इंटरेस्ट रेट जो बोला गया वो काफ़ी बार बार कम किया गया है। ठीक है, अब रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट से ही बेसिस को बना के उस पर क्या चलता है, इंटरेस्ट रेट चलता है। ठीक है, अब मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या है, बढ़ाई गई है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होएंगे, मनी रेपो रेट अगर कम होता है फिर सब मनी सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये दोनों एकोमोडेटिव स्टांस को शो करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। और थर्ड एक और फीचर होता है एकोमोडेटिव का, क्वांटिटेटिव ईजिंग बाय आरबीआई, मतलब जब जरूरत पड़े तो आरबीआई प्रिंट भी करती है मनी को, ठीक है, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। अब क्या हुआ देखिए, अगर एकोमोडेटिव स्टांस रहा, मनी सप्लाई होती रही, तो डेफिनेटली सभी के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, सभी के ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो सभी डिमांड करने लगेंगे ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों की, डिमांड करने लगे तो उसको पता चल जाएगा, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो बोलेगा यार ये मौका है ज़्यादा कमाने का, तो वो प्राइस बढ़ा देगा, और इन्फ्लेशन सभी के लिए, सभी को महसूस होगी यार कल तो 10 रुपये किलो मिल रहे थे, बट आज क्या हुआ, कितने का मिल रहे हैं, 10 रुपये के प्याज मिल रहे थे, आज 60 रुपये के हुए, ये क्या हो गया। तो ये भी इन्फ्लेशन भी एक इशू हो सकता है जिसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब फिजिकल इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वी डिस्कस अर्लियर इन दिस आर्टिकल। तो क्या है, बट स्लोअर मोमेंटम इन द एक्सपेंडिचर कैन लीड टू डेफिसिट। देखिए हम बात करते हैं FIRBM एक्ट, जिसमें कि मेंशन है कि आपको इतनी लिमिट रखनी है डेफिसिट वगैरह की, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2020-21 के लिए 6% ऑफ GDP 6% डेफिसिट ही रहेगा। ऐसे तो अच्छी बात है बट नहीं, देखिए अगर डेफिसिट, अगर देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना, ठीक है, आप यहाँ पे जैसे कि 6% की बात करी गई है तो ज़्यादा भी होना चाहिए ना, ताकि हम, मतलब देखिए डेफिसिट का क्या मतलब है, जितनी इनकम आ रही है और कितना एक्सपेंडिचर हुआ उन दोनों के माइनस करके, अगर टर्म माइनस में आती है तो वो मान लीजिए यार 10 के आपका आ रहा है और आप लोन वगैरह चक के 12,000 के पास खर्च कर दे रहे हो, तो कितना हुआ, माइनस 2 के हुआ ना, और ये 2 के क्या हुआ है, डेफिसिट है आपका,
ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट के केस में होता है बजटिंग में, तो 6% ऑफ जीडीपी है, बट इसको ऑथर के द्वारा ये कहा गया कि ये बढ़ भी जाता कोई इशू नहीं है, बट आप एक्सपेंडिचर तो बढ़ाओ, मनी सप्लाई तो इशू ना बने, ठीक है। तो शार्प शार्प इंक्रीज इन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड, मनी स्पेंट ऑफ द असेट्स। देखिए कैपिटल, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बजटिंग वाले चैप्टर में पढ़ना है इस चीज़ को, बट ब्रीफिंग के लिए अभी ये बता देता हूँ। मनी स्पेंट ऑन द असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, जो कि प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिव है, ऑल एवरीथिंग इज प्रोडक्टिव ना। एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, बच्चों को स्कूल मिल रहा है, स्कूल के साथ जो टीचर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, और इनको बनाने के लिए किनका यूज़ हो रहा है, लेबर का, लेबर को पैसे मिल रहे हैं, पैसा आ रहा है ना। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट। अब सॉरी, ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट ओवर द लास्ट डिकेड, इन्वेस्टमेंट रेट 2009-10 के मुताबिक देखा जाए इसको कंपेयर करके, तो 6.7% ही जो जो फॉल हुआ है इन्वेस्टमेंट रेट में। देखिए इतना कम जीडीपी के पर्सपेक्टिव में 6.7% का इन्वेस्टमेंट का रेट फॉल हुआ है, तो इसलिए एम्फेसिस किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। रिसेंट मेजर्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स को अभी कहा गया कि कम किया जाएगा। अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जाएगा तो कॉर्पोरेट वालों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, जैसे आपको पार्टी करने के लिए पैसे बच गए थे ना वैसे ही, और वो उनका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे मशीनरी के लिए, और वहाँ से क्या होएगा, नए नए प्रोडक्ट बनेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, लोगों को ज़्यादा काम मिलेगा और ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये एक अच्छा है, ऑगमेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम करेगा। और एक और है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि 2019 में बजट में इस चीज़ को प्रपोज करा गया था, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करी गई है इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में। ठीक है, 100 लाख करोड़ की बात करी है इस प्रोजेक्ट को, जो लेआउट रखा गया बजट का, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को ईज करेगा जो पीपल की। ठीक है, दिस इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, और इसमें बहुत सारे इन चीज़ें हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है। और कंक्लूजन में ये कहा गया कि जो गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2025 तक, इकोनॉमिक सर्वे में इसमें बात करी गई है, ठीक है, जो अभी आया था, तो 5 ट्रिलियन जो गोल है, तो जो कि हमने 2025 तक अचीव करना है, ऐसे लग रहा है दूर पर कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2019 में क्या रहा था 2.7 ट्रिलियन, और आप अप्रोक्सीमेटली डबल करने की बात कर रहे हो 5-6 सालों में, और ये COVID-19 वाली बात भी आ गई। अगर ऐसा है कि फैक्ट्स ये बोलते हैं कि कंट्री वांट टू अचीव ना, वी नीड टू ग्रो कंटिन्यूसली एट 9% फॉर 6 ईयर्स। 9% यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। देखो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड आई थिंक अभी आज के लिए जो आज का लेक्चर पूरा हो गया, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, एंड शेयर करिए, नॉलेज शेयर डिस्कस, नॉलेज केयर। थैंक यू सो मच।